श्री गणेशाय नमः, सरस्वत्यै नमः। संस्कृत व्याकरण में हम कारक पढ़ रहे हैं। संस्कृत के कारक के अध्ययन में हमने दो वीडियो पहले बना दिए थे। पहले वीडियो में कारक क्या होता है और सारे कारकों की विशेषताएं कितने होते हैं और कर्ता कारक को पढ़ा था। दूसरे वीडियो में हमने कर्म कारक को विस्तार से पढ़ा था, क्योंकि कर्म कारक बहुत ही महत्वपूर्ण है और बड़ा है। आज हम करण कारक पढ़ने जा रहे हैं। तो करण कारक क्या होता है? करण कारक जब तक क्रिया संपन्न नहीं होती, यानी जब तक क्रिया पूरी नहीं होती, तब तक कर्ता का साथ देते रहने वाले शब्द में करण कारक होता है और तृतीया विभक्ति होती है। यानी जहां पर से लगता है ना, राम पेन से लिखता है तो वहां पर करण कारक होता है। लेकिन राम पेड़ से गिरता है, वहां पर भी तो से आता है ना। इस चीज को समझ लेते हैं, करण कारक और अपादान में क्या अंतर है, बहुत ही अच्छे तरीके से हम आपको बता रहे हैं, जिससे कि इन दोनों के बीच का अंतर आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। उससे पहले हम आपको बता दें, संपूर्ण राजस्थान में कक्षा छठी से दसवीं तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों के संस्कृत पाठ्य पुस्तक के सभी पाठों को बहुत अच्छे तरीके से हमारे चैनल पर समझाया हुआ है, और उनके जो व्याकरण है उसको भी बहुत अच्छे तरीके से हमारे चैनल पर पूरा कोर्स करवाया है। संस्कृत का छठी से दसवीं तक पूरा कोर्स करवाया गया। उसके साथ में राजस्थान के रीट या टेट लेवल के फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल की संस्कृत का पूरा कोर्स हमारे चैनल पर करवाया हुआ है। आपको केवल हमारे प्ले लिस्ट में जाकर के अपने अपने वीडियो को ढूंढना है, क्योंकि अभी तक हमने कर्ता और कर्म कारक पढ़ा है, अभी करण पढ़ने जा रहे हैं। तो करण और अपादान में कुछ समानताएं होती है हिंदी के दृष्टिकोण से। तो यहां देखो, राम साइकिल से जाता है, राम साइकिल से जाता है, इसमें कौन सा कारक है? क्या इसमें करण कारक है? राम पेड़ से गिरता है, तो इसमें कौन सा कारक है? क्या इसमें अपादान कारक है? अरे किसमें है? हिंदी में तो वाक्य में बोला जाता है, पूरे वाक्य में, सेंटेंस में, कि इसमें कौन सा कारक है? इसमें। लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं होता है, संस्कृत में केवल शब्द में होता है। इस साइकिल में कौन सा कारक है? साइकिल में करण कारक है। पेड़ में कौन सा है? के पेड़ में अपादान। इस तरीके से संस्कृत में होता है, बहुत सिंपल हो जाता है, बहुत सरल हो जाता है। अब देखिए, राम में कौन सा कारक है? राम कर्ता कारक है, राम कर्ता कारक है। अब जाता है ये क्रिया है, गिरता है ये क्रिया है। अब ध्यान से देखें कि ये जो से आया है, इस से में और इस से में क्या डिफरेंट है? दोनों से आया है, तो ये तो से है, वो आपका इंग्लिश का जो होता है ना, बाय बाय, बाय यानी द्वारा, और ये जो से है वो इंग्लिश का है फ्रॉम, फ्रॉम यानी से, अलग होने की स्थिति। आ रहा समझ में? एक चीज समझ में। अगला स्टेप देखें, राम साइकिल से जाता है, तो कर्ता कौन है? राम। राम की सहायता कौन कर रहा है? साइकिल। तो साइकिल क्या हो गया? करण। क्योंकि करण की परिभाषा यही है कि जब तक क्रिया नहीं होती तब तक जो कर्ता की सहायता करता वो होता है करण। तो यहां क्रिया क्या है? जाना। जाना नाम की क्रिया जब तक पूरी नहीं होगी तब तक साइकिल राम की सहायता करती रहेगी। ध्यान से सुनना, मन आपका कहां है, दिमाग कहां है, इधर लगाओगे समझ में आएगा। जाना नाम की क्रिया जब तक पूरी नहीं होगी तब तक साइकिल राम की हेल्प करेगी ना, क्या करेगी? तो जो चीज कर्ता की सहायता करता है उसमें करण होता है, तृतीया विभक्ति आती है। तो यहां देखो, राम द्विचक्री कया, कया के अंदर तृतीया है, द्विचक्री कया, चक्री का, द्विचक्री का आकार स्त्रीलिंग शब्द है, लता की तरह लतया, द्विचक्री कया यानी साइकिल से गच्छति यानी जाता है, गच्छति प्रथम पुरुष के लिए यहां पर। तो राम साइकिल से जाता है, तो यहां पर साइकिल हेल्प कर रही है, और जब तक क्रिया पूरी नहीं होती तब तक साइकिल राम की हेल्प कर रही है, इसलिए इसमें करण कारक है। ऐसे ऐसे कोई भी चीज हो, जब तक क्रिया पूरी नहीं होती तब तक इस चीज को छोड़ता नहीं करता, तो वो चीज होती है करण। यहां पर देखिए, अब दूसरी बात करते हैं अपादान की, पंचमी विभक्ति की। राम पेड़ से गिरता है, तो यहां पर गिरना नाम की क्रिया, और यहां पर दो चीज है, एक तो राम और एक पेड़, दोनों चीज में राम पेड़ से गिरता है, तो अलग कौन हो रहा है? अलग राम हो रहा है। तो राम यहां पर अलग होने वाला
कभी भी अपादान नहीं होता है, जो पीछे रह जाता है वो अपादान है। तो ये पेड़ और राम पास पास में, राम नीचे गिर गया, पेड़ पीछे रह गया, समझ में आ रहा है? तो पेड़ पीछे रह गया तो वो अपादान हुआ, जो पीछे रहता है। हिमालय से गंगा निकलती है तो हिमालय और गंगा दो चीज है, हिमालय पीछे रह गया तो जो पीछे स्थिर रहता है वो अपादान है, तो यहाँ पे हिमालय अपादान। इसको देखते हैं, राम पेड़ से गिर गया। अब क्रिया से, हमेशा क्रिया से कारक का पता चलता है। यहाँ क्रिया से पता चला, जब तक जाना नाम की क्रिया पूरी नहीं होगी तब तक साइकिल साथ देता रहेगा, हेल्प करता रहेगा, इसलिए साइकिल क्या हो गया, करण कारक हो गया। यहां पर गिरना नाम की क्रिया जब तक पूरी नहीं होगी तब तक यह पेड़ अलग नहीं होगा, यहां तो साथ में रहने की स्थिति है, यहां अलग होने की स्थिति है। पेड़ जब तक पेड़ से अलग नहीं होगा, मतलब पेड़ अलग नहीं होगा तब तक गिरना नाम की क्रिया नहीं होगी, है ना? राम और पेड़ दो चीज है, जब तक पेड़ राम से अलग नहीं होगा तब तक गिरना नाम की क्रिया कैसे होगी? पेड़ वहां से, पेड़ से राम गिर गए और बीच में आकर रुक गया तो गिरना नाम की क्रिया हो जाएगी क्या? तो यहां पर अलग होने की स्थिति है, समझ में आ रहा है ना? दोनों चीज यहां तो दोनों चीज साथ में रहेंगे, राम और साइकिल दोनों साथ में ही रहेंगे, जब तक ये क्रिया नहीं होगी तब तक दोनों चीज साथ में रहेगी। यहां पर राम और पेड़ है वो अलग नहीं होंगे तब तक ये क्रिया नहीं होगी, इसलिए इसमें पंचमी विभक्ति, इसलिए इसमें पेड़ में पंचमी विभक्ति आई। यहां पर वृक्षात, राम वृक्षात पतते, राम वृक्ष से गिरता है। अब आया दोनों दोनों का अंतर समझ में? अब चलते हैं करण कारक की ओर। यहां हमने ये कहा था कि जब तक क्रिया संपन्न नहीं होती तब तक कर्ता का साथ देते रहने वाले में करण कारक होता है, ये पहला नियम है। करण कारक के भी काफी नियम है। पहला नियम है, जागृति कलमेन लिखती, जागृति पेन से लिखती है, तो यहां पर कलमेन क्या हो गया, करण कारक हो गया, क्योंकि लिखना नाम की क्रिया जब तक पूरी नहीं होगी तब तक पेन और जागृति दोनों साथ में रहेगी। ऐसे नहीं है कि जागृति ने पेन से लिखना शुरू किया और पेन को अलग कर दिया, अब लिखना हो जाएगा क्या? नहीं, जब तक जागृति और कलम है वो साथ में रहेंगे तब तक लिखना नाम की क्रिया होती रहेगी, इसलिए यहां पर कलम के अंदर तर्क्या है। जागृति कलमेन लिखती, जागृति इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, प्रथमा विभक्ति एक वचन है, कर्ता है और कर्ता का संबंध क्रिया से होता है, एक वचन है, एक वचन है, प्रथम पुरुष है, प्रथम पुरुष है, लेकिन करण का संबंध नहीं होता है, करण के अंदर तृतीया विभक्ति। राधा द्विचक्रिकया गच्छती, राधा साइकिल से जाती है, आ गया समझ में? यहां अपादान नहीं पढ़ रहे, अपादान में इस चीज को याद रखना। अब कर्मवाच्य और भाववाच्य में अनुक्त कर्ता में तृतीया करण कारक होते हैं, ये अनुक्त कर्ता, ये वाच्य की बात है, वाच्य की बात, पीछे हमने जितने भी शब्द रूप धातु रूप प्रत्यय और कारक पढ़े हैं उसमें वाच्य के बहुत सारे टॉपिक आए हैं, तो वाच्य का अपना जो बना हुआ है चैनल के अंदर वीडियो, उसको आप ध्यान से देख ले, वाच्य बहुत गहराई से समझे, वाच्य के अंदर समझेंगे तो ये चीज आपको वहां पर भी समझ में आएगी और यहां भी आएगी। यहां तो ये कारक कहता है विभक्ति कौन सी कहां पर लगेगी, तो कर्मवाच्य और भाववाच्य में अनुक्त कर्ता होता है उसमें तृतीया करण कारक होंगे, और अनुक्त कर्ता में तृतीया करण कारक ही होते हैं। जैसे रामेण लेखे लिखिए, ये प्रथमा विभक्ति में भी पढ़ा था अपन ने कि कर्मवाच्य में कर्म में प्रथमा होती है, वहां भाववाच्य का जिक्र नहीं था क्योंकि वहां पर प्रथमा विभक्ति का जिक्र था, इसीलिए वहां पर क्या था, केवल और केवल कर्मवाच्य की बात कही थी आपने कर्ता कारक के सातवें आठवें नियम में, कर्मवाच्य में क्या था, प्रथमा विभक्ति थी। तो ये चीज यहां पर रिपोर्ट हो रही है लेकिन यहां अंडरलाइन नहीं है, अंडरलाइन यहां पे है क्योंकि अपन करण कारक तृतीया विभक्ति पढ़ रहे हैं। रामेण लेखे लिखिए, राम के द्वारा लेख लिखा जाता है, तो ये कर्म वाच्य है क्योंकि यहाँ कर्म उपलब्ध है, लेकिन कर्म में प्रथमा विभक्ति है, ये वाच्य की बात है, आपको समझ में नहीं आ रही, वाच्य पूरा समझ लेना। राम के द्वारा तो यहाँ पर तृतीया विभक्ति आ गई, कर्ता में तृतीया विभक्ति मात्र कर्म वाच्य में आती है जो कि अनुक्त कर्ता कहलाता है, अनुक्त यानी नहीं कहा हुआ, उक्त यानी कहा हुआ, किसके द्वारा, पाणिनि के द्वारा, ये पाणिनि ने नहीं कहा था फिर भी यहां पर क्या है, तृतीया विभक्ति है कर्ता में, कर्मवाच्य और भाववाच्य में अनुक्त कर्ता, कर्ता कर्ता में, करण में तृतीया होती लेकिन यहां पर कर्ता में तृतीया है, बात समझ में आ रही। अब यह है आपका भाववाच्य, भाववाच्य में कर्म नहीं होता है, तेन हस्यति उसके द्वारा हंसा जाता है, तो कर्ता कौन है, उस वह, तो यहां पर इसके अंदर तृतीया विभक्ति भाववाच्य के अनुक्त कर्ता में तृतीया विभक्ति है, बात समझ में आ गई, कर्मवाच्य भाववाच्य की तृतीया विभक्ति की बात चल रही है। अब यह तीसरा नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सह साकम समम सारदम,
सह साकम समम सार्धम, इन चारों शब्दों का अर्थ है साथ में, साथ में इन टुगेदर टुगेदर। इसमें इनके योग में अप्रधानकर्ता में करण कारक प्रत्यय होती है। अप्रधानकर्ता कौन होता है? एक तो प्रधानकर्ता होता है और एक अप्रधानकर्ता होता है, यानी दो जने काम करते हैं, एक तो काम कर रहा है और दूसरा नहीं कर रहा है, लेकिन वो उसके साथ में है तो वो अप्रधानकर्ता है। जैसे हम आपको कहें कि बाप के साथ बेटा जाता है, बाप के साथ बेटा जाता है, तो यहां कर्ता कितने हैं? दो, बाप और बेटा, है ना। तो बताओ प्रधानकर्ता कौन है? प्रधानकर्ता कौन है? यहां पर प्रधानकर्ता बाप है क्या? आपको बाप ही लगेगा क्योंकि बाप बहुत मतलब महत्वपूर्ण होता है। नहीं, बाप के साथ बेटा जाता है तो यहां पर बेटा जाता है, क्रिया किसको बोल रही है? बेटे को। बेटा जाता है मतलब बेटा प्रधान करता है बाप के साथ, तो बाप यहां पर अप्रधान हो गए। बात समझ में आ रही? इस तरीके से आपको यह चीज समझनी है। तो यहां पर चार शब्द यूज होते हैं, सह यानी साथ में, साकम यानी साथ में, समम यानी साथ में, सार्थम यानी साथ में, चारों का मतलब क्या होता है? साथ में। तो इसके अप्रधानकर्ता में तृतीयकरण कारक होगी, प्रधानकर्ता में तो प्रथमा ही होगी। जैसे पुत्रेण सह साकम समम सार्धम पिता गच्छति, पुत्र के साथ, पुत्र के साथ, पुत्र के साथ, पुत्र के साथ पिता जाता है, पिता जाते हैं, तो यहां पर पिता जा रहे हैं, ठीक है ना। वहां मैंने पहले वाक्य बोला उसमें पुत्र जा रहा था, तो यहां पर पिता तो कर्ता हो गया, पिता पुत्रेण सह गच्छति, ऐसे भी सेंटेंस लिख सकते हो आप। तो जो सह साकम समम सार्धम, ये चार शब्द कहां मिलेंगे? उससे जस्ट पहले वाले शब्द में तृतीया होगी, ये बात याद रखनी आपको। सह साकम समम सार्धम सूत्र के अनुसार इन चारों शब्दों से पहले जो भी शब्द आएगा उसमें आपके तृतीया आएगी। जैसे यहां पर लिख दिया पिता के साथ पुत्र जाता है, पिता के साथ, तो के साथ से पहले पिता आ गया, तो यहां पर क्या होगा? पित्रा सह, पिता में तृतीया विभक्ति में पित्रा, पित्रा सह पुत्र है गच्छति, ऐसे हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। आपको समझ में आ गया ना? नहीं आया तो रिपीट करके देख लो, समझ लो। अब यहां चौथा बहुत ही है इंपोर्टेंट, नेत्रेण करणेन पादेन सिरसा इत्यादि शब्दों में जो अंगवाची हो तथा विकृत हो तो तृतीयकरण कारक होंगे। नेत्रेण आंख, कान, पैर, सिर, है ना, ये सारे अपने अंग है, इन अंगों से कोई विकृत हो, विकृत का मतलब दिव्यांग हो, तो उस दिव्यांग वाची शब्द में क्या होगा? तृतीया विभक्ति करण कारक होगा उस अंगवाची शब्द में। लेकिन कोई लोग कहते हैं कि आंख से काना है तो काना में तृतीया होगी। अरे काना में तृतीया कौन होगी? काना तो वो खुद है, काना किससे होता है? कि आंख से, तो आंख में तृतीया करण कारक होंगे। बात आया समझ में? जैसे देखिए स नेत्रेण काण, स यानी वह, काणा यानी काणा है, तो यहां पर ये तो विशेष्य हो गया, ये विशेषण हो गया, वह काणा है, किससे? आंख से, तो आंख में तृतीया विभक्ति आएगी, नेत्रेण, नेत्रेण यानी आंख से, काणा यानी काणा है। बात समझ में आ गई ना? तो यहां पर सूरदास नेत्राभ्याम अंध, सूरदास विशेष्य अंध विशेषण है, तो यहां दोनों में प्रथमा आएगी, अंधे में तृतीया नहीं आएगी, अपन तृतीया विभक्ति पढ़ रहे हैं, तो वो विकृत अंग कौन सा है? आंख है, तो नेत्राभ्याम इसमें तृतीया विभक्ति द्विवचन है। आपको कोई भी विभक्ति लगती है तो उसका ये मतलब नहीं है कि केवल प्रथमा विभक्ति आएगी, द्वितीय भी आ सकती है, बहुवचन भी आ सकता है, क्योंकि अंधा होता है वो दोनों आंखों से होता है, एक आंख से नहीं होता है, एक आंख से काणा होता है, इसलिए यहां पर नेत्रेण तृतीया एकवचन, नेत्राभ्याम तृतीया द्विवचन, है ना, सूरदास नेत्राभ्याम अंधः। बात समझ में आ गई? अब नेत्रेण अंधे, करणेन बधिर, पादेन खंजे, सिरसा खलवाट है, कोई भी आ सकता है, बहुत सारे उदाहरण आप देख सकते हैं, हमने आपको समझा दिया। पांचवा, किसी चिन्ह से किसी का ज्ञान हो तो उस चिन्ह वाची शब्द में तृतीयकरण कारक होगा। मतलब किसी बात से, पेन से कोई टीचर लगता है ना, कोई टाई बेल्ट पहना हुआ है, टाई कोट वगैरह, तो उसे टीटी लगता है, जो भी चिन्ह होता है ना उस चिन्ह से अपन को क्या लग जाता है, ठीक है ना, लाल बत्ती से मंत्री लगता है, तो वो चिन्ह होता है ना उसमें तृतीयकरण कारक होता है। जैसे ये आजकल के उदाहरण संस्कृत में नहीं आते हैं, प्राचीन वाले ही आते हैं, सह जटा भी ताप से प्रतीयते, अब कोई व्यक्ति है उसके बहुत सारी जटाएं रखी हुई है, वैसे कोरोना से आजकल सभी के रखी हुई है,
सह जटा भी ताप से प्रतियते, वह जटाओं से तपस्वी लगता है, वह जटाओं से तपस्वी लगता है। तो ताप से में प्रथमा, सह में प्रथमा, लेकिन उसका अंग कौन सा है, चिन्ह कौन सा है, जटाएं, उससे वह तपस्वी लगता है। तो जटाओं के अंदर तृतीया विभक्ति बहुवचन आया कि नहीं आया? अब बालक पुस्तकों से छात्र लगता है, बॉय फील बाय स्टूडेंट द बुक्स, ठीक है ना, किताबों से स्टूडेंट लगता है। कोई बॉय है वो किताबों से क्या लगता है, स्टूडेंट लगता है। छात्र का मतलब स्टूडेंट, बॉय का मतलब बालक, ठीक है ना, बालक पुस्तकों से क्या लगता है, छात्र लगता है। तो यहाँ पर चिन्ह क्या है, पुस्तक है, इसलिए पुस्तकों से तृतीया विभक्ति बहुवचन आया कि नहीं आया। चिन्ह वाच्य शब्द में तृतीया विभक्ति होती है। तो ये तो केवल दो उदाहरण है, ऐसे ऐसे आपको कई माइंड में रखने, बात माइंड में रखनी है, बाकी कार्य के अंदर ऐसा कोई हार्ड चीज नहीं है। अब अपन तृतीया विभक्ति का पांचवा छठा नियम पढ़ते हैं। पांच अपन ने पढ़ लिए, कुल तृतीया विभक्ति के आठ नियम है आपके, और द्वितीय विभक्ति कर्म कारक के दस नियम पढ़े थे अपने पिछले वीडियो में। अभी करण कारक के आठ नियम पढ़ेंगे, उसके बाद में संप्रदान के आपके बारह नियम पढ़ेंगे। इस तरीके से एक एक नियम को आप एक छोटी सी लिस्ट बना करके समरी बना दो अपने नोट्स का, और वो हमेशा पढ़ो। उसको पढ़ने में आपके पांच मिनट लगे तो आपके माइंड में रहते हैं सारे कि कहां पर कौन सा नियम है। चलिए, कारणवाची शब्द में तृतीया विभक्ति करण कारक होंगे, जो भी कारणवाची शब्द होगा ना, रीजन होगा ना, उस रीजन के अंदर तृतीया विभक्ति आएगी। जैसे पुण्येन हरि दृष्टः, पुण्येन हरि दृष्टः यानी पुण्य के कारण विष्णु दिखे हैं, पुण्य के कारण विष्णु दिखे हैं, तो विष्णु के दिखने का कारण क्या है, पुण्य, इसलिए इसमें तृतीया विभक्ति होगी, करण कारक होगा पुण्य से। तो ऐसे आप नहीं बोलते पुण्यात, पुण्यात मतलब पुण्य से, पंचमी नहीं आएगी, तृतीया आएगी, ऐसे नियम याद रखने हैं। फिर अध्ययनेन वस्ति, पढ़ाई के कारण रहता है, सह अध्ययनेन वस्ति यानी वह पढ़ाई के कारण रहता है, तो उसके रहने का कारण क्या है, पढ़ाई, इसलिए इसमें तृतीया विभक्ति करण कारक है, कारणवाची। सातवां नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट, प्रकृति सुख सरल और दुख, ये क्या है, क्रिया विशेषण शब्द है। क्रिया विशेषण क्या है, ये क्या है, सारे आपको हिंदी में आपको समझने होंगे, शब्दों में तृतीया करण कारक होंगे, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण होते हैं। सह प्रकृत्या साधु अस्ति, वह प्रकृति से साधु है, मतलब ये शब्द खुद के अंदर ही, ये सारे शब्द खुद आ जाएंगे ना, इस शब्दों के अंदर ही तृतीया होगी, वह स्वभाव से साधु लगता है, तो वैसे ही इसमें तृतीया आ रही थी स्वभाव से, लेकिन कुछ लोग कह देते हैं कि पंचमी आ जाएगी, इसलिए यहाँ नियम बनाना पड़ा, प्रकृत्यादिव्य यानी वह प्रकृति से साधु लगता है। यहाँ पर है मूर्ख दुख से जीता है, मुख दुख, मूर्ख है वो दुख पूर्वक जीता है, तो दुख पूर्वक जीता है, तो यहाँ पंचमी हो सकती थी, लेकिन इस नियम से आपको याद रखना है, प्रकृति सुख सरल और दुख, इन चारों शब्दों में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। बात आई समझ में, सातवां नियम प्रकृति सुख सरल दुख, सात नंबर प्रकृति सुख सरल दुख, छह कारणवाची शब्द, सात प्रकृति सुख सरल दुख, इस तरीके से आपको एक छोटी समरी बना करके याद रखना है। आठवां, मना करने के अर्थ में अलम शब्द का प्रयोग हो तो तृतीया करण कारक होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, मना करने के अर्थ में अलम आता है, ठीक है ना, मना करने के अर्थ में जो आता है ना, उसके अंदर आपके तृतीया विभक्ति आएगी मना करने के अर्थ में। और एक आएगा काफी है, आगे चतुर्थी विभक्ति में अलम और आएगा, तो वहां पर आएगा काफी, काफी मतलब पर्याप्त है, पर्याप्त है, इस अर्थ में अलम आएगा, तो किसके लिए पर्याप्त है, उसमें चतुर्थी आएगी, यानी आपको याद क्या रखना है, अलम पहले आ जाए तो बाद वाले शब्द में तृतीया, अलम बाद में आ जाए तो पहले वाले में चतुर्थी, ये चतुर्थी में और समझा देंगे। तो यहां देखिए, अलम विवादेन, विवाद मत करो, तो मना करने के अर्थ में अलम आया, अलम के योग में तृतीया आई है। अलम हसितेन, हसो मत, तो हसो कहां से आया और मत ऐसे, हसो के अंदर तृतीया कैसे हुई, इस नियम से हुई, मना करने के अर्थ में अलम शब्द का प्रयोग हो तो तृतीया करण कारक होंगे। अलम विवादेन, विवाद मत करो, अलम हसितेन, हसो मत, इस तरीके से ये होगा। आगे आपको समझ में, अब अपन संप्रदान कारक शुरू कर दें, चलो संप्रदान कारक शुरू करते हैं। संप्रदान क्या होता है, संप्रदान वो होता है जो जिसकी कर्ता सहायता करता है, करण तो वो था
जो कर्ता की सहायता कर रहा था, कर्ता की सहायता करने वाला करण, और कर्ता जिसकी सहायता करता है वो होगा संप्रदान। बात आ रही है समझ में? तो यहां पर कर्ता जिसकी सहायता करता है या जिसके लिए कार्य करता है, कर्ता कोई भी कार्य करता है तो जिसके लिए कार्य करता है उसे संप्रदान कहते हैं, तथा संप्रदान में चतुर्थी होती है। ये बात तो सबको पता है लेकिन दोहराना जरूरी है, कुछ भूल जाते हैं। जैसे बालक है, पहला नियम शुरू हो गया है, बालक है स्वमित्राय पुस्तकम ददाति, तो ये दा धातु है ना, यहाँ पर एक संप्रदान की और परिभाषा हो सकती है। दा धातु देना धातु के योग में कर्ता जिसको संतुष्ट करता है, तो दा धातु का मतलब केवल दा नहीं है, ऐसी धातु है जिससे कर्ता किसी को संतुष्ट करता है, ऐसी क्रिया जिससे कर्ता किसी को संतुष्ट करता है, तो जिसको संतुष्टि होती है उसमें संप्रदान कारक होता है। तो बालक अपने मित्र को पुस्तक देता है, तो को लगाया तो यहाँ पर तृतीय अपने कर्म कारक आना चाहिए, को कर्ता ने कर्म को, बालक अपने मित्र को पुस्तक देता है, तो यहाँ पर बालक मित्र को पुस्तक देता है, तो देना नाम की क्रिया से किसको संतुष्टि हो रही है? अपने मित्र को, तो अपने मित्र में चतुर्थी ही आएगी। ये कारक का नियम है, बालक अपने मित्र को पुस्तक देता है, बालक है स्वमित्राय रामाय, चतुर्थी विभक्ति है, याद नहीं है कारक पढ़ने बैठे हो, पहले विभक्ति है याद करो शब्द रूप फिर कारक पढ़ो, नहीं तो कारक समझ में आने वाला नहीं है। बालक अपने मित्र को पुस्तक देता है, बालक है स्वमित्राय पुस्तकम ददाति। अब देखिए दूसरा नियम, दूसरे नियम में रोचते मोदते स्वेदते आदि रुचि अर्थ वाली धातुओं में जिसको अच्छा लगता है उसमें चतुर्थी संप्रदान होंगे। जिसको अच्छा लगता है मतलब जिसको प्रसन्नता होती है, ये रुचि अर्थानाम प्रियमाणे सूत्र है, सूत्र पाणिनि ने लिखे थे, व्याकरण के सबसे अच्छे जन्मदाता हिंदी व्याकरण भी पाणिनि की अष्टाध्यायी की व्याकरण से बनी हुई है, तो उसके अंदर ये सारे सूत्र से लिखे हुए हैं, लेकिन वहां पर थोड़ा कठिन पड़ता है, इसलिए हमने बहुत सरल तरीके से यहां समझाया। रोचते यानी अच्छा लगता है, मोदते यानी अच्छा लगता है, स्वेदते यानी अच्छा लगता है, तीनों धातुएं तीनों क्रिया का मतलब अच्छा लगना, आदि रुचि अर्थ वाली धातुओं में जिसको अच्छा लगता है ना उसमें उसमें चतुर्थी संप्रदान होंगे। ये छोटी सी बात है लेकिन एक पूरा पेज भर देते हैं बहुत सारे उदाहरण देकर के, लेकिन यहां चीज ये समझ रही है जो चीज अच्छी लगती है उसमें नहीं होता है, जिसको अच्छा लगता है। जैसे बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं, तो बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं तो अच्छा क्या लगता है? अच्छा लगता है लड्डू, लेकिन लड्डू में प्रथमा विभक्ति आएगी, लेकिन किसको अच्छा लग रहा है? मतलब बालक को अच्छा लग रहा है, तो बालक में संतुष्ट कौन हो रहा है? बालक हो रहा है, तो बालक में चतुर्थी आएगी। लड्डू क्या संतुष्ट होगा? लड्डू खुद ही अच्छा है, अच्छा किसको लग रहा है? बालक को लग रहा है, इसलिए बालक में चतुर्थी। बालकाय मोदकम रोचते, बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं, तो बालकाय के अंदर चतुर्थी विभक्ति ही आएगी रुच धातु के। अब इसका और सेंटेंस बना सकते हो, बालकाय मोदकम मोदकम मोदते, मोदते का मतलब भी अच्छा लगता है, बालकाय मोदकम स्वेदते, स्वेदते का मतलब भी अच्छा लगता है, लेकिन रोचते ज्यादातर आता है, इसलिए बालकाय मोदकम रोचते। आ गया समझ में? आ गया, नहीं आया तो रिपीट करके दोबारा देख लो। तो रोचते मोदते स्वेदते में जिसको अच्छा लगता है उस कर्ता लग रहा है ना, बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं, तो यहाँ पर आपको कर्ता कौन लग रहा है? बालक लग रहा है, लेकिन यहाँ पर चतुर्थी होगी, ये बात याद रखनी है। अब तीसरा नियम, क्रुध्यते द्रोह्यते ईर्ष्यते अशूयते आदि अर्थ वाली धातुओं में जिस पर कोप किया जाता है उसमें चतुर्थी संप्रदान होगा। अभी तो अपन कह रहे थे कि संप्रदान कारक उसको होता है कर्ता जिसको संतुष्ट करता है, लेकिन ये तीसरा नियम क्रुद्ध ईर्ष्यानाम असूयतानाम यम प्रतिकोप सूत्र है, वो क्या कहता है? क्रुद्ध ध्रुव ईर्ष्य असूय इन धातुओं के योग में जिस पर क्रोध किया जाता है उसमें चतुर्थी होगी। तो जिस पर क्रोध किया जाता है वो संतुष्ट होगा क्या? हाँ वो होगा, यही तो शास्त्र है, यही तो संस्कृत है, और यही तो भाव है। कैसे होगा देखो, इसके पहले अर्थ बताता हूं। क्रुध्यति क्रोध करता है, द्रुयति द्रोह करता है, ईर्ष्यति ईर्ष्या करता है, अशूयति निंदा करता है। अब जिस पर क्रोध किया जाता है उसका भला ही होता है, जिस पर क्रोध करेगा वो कुछ नहीं करेगा, भला हो जाएगा। द्रुयति जिस पर द्रोह किया जाता है, मान लो कोई राजा है और उसने क्या किया है, अनाचार किया है और किसी ने विद्रोह कर दिया, तो राजा सुधर जाएगा। अतः ईर्ष्यति अपने कोई ईर्ष्या कर रहा है तो अपने सुधर जाएंगे। तो असूयति निंदा करता है, निंदक निये रे राखिए हैं आंगन कुटी छवाए, तो यहां पर अपनी कोई निंदा कर रहा है,
अपन सुधर जाएंगे। तो अपन सुधरेंगे तब तो संतुष्टि होंगे ना। तो अंतिम परिणाम क्या है? जिस पर क्रोध किया जाता है वो संतुष्ट होता है, जिस पर द्रोह किया जाता है वो अंत में संतुष्ट होता है, जिसकी ईर्ष्या की जाती है वो अंत में संतुष्ट होता है, जिसकी निंदा की जाती है वो अंत में बहुत फायदेमंद होता है। इसीलिए यहां पर जिस पर क्रोध किया जाता है उसमें चतुर्थी आएगी। जैसे देखिए, पिता पुत्राय क्रोध्यति, पिता पुत्र पर क्रोध करता है तो यहां पर सप्तमी आनी चाहिए, लेकिन क्रोध धातु के कारण यहां पर चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक है। पिता पुत्र पर क्रोध करता है तो यहां पर पुत्र के अंदर चतुर्थी विभक्ति है। अब यहां पर ये तीनों के उदाहरण आप देख सकते हैं कहीं पर भी और समझ सकते हैं। समझना आपको है कि यहां पर जिस पर द्रोह किया जाता है, जिसकी ईर्ष्या की जाती है, जिसकी निंदा की जाती है उसमें चतुर्थी होती है, निंदा करने वाले में नहीं होती है। तीसरा नियम संपूर्ण। चौथा देखिए, स्प्रीहति। स्प्रीहति का मतलब होता है इच्छा करता है। स्प्रीहति, स्प्री धातु के योग में, धातु वाले वाक्य में जिसकी इच्छा की जाती है, जिसकी इच्छा होती है ना वहां पर इच्छ धातु आएगा, वहां नहीं होगा ये नियम। ये नियम केवल स्प्री धातु के लिए है। स्प्री धातु यानी इच्छा करता है, धातु वाले वाक्य में जिसकी इच्छा की जाती है उसमें चतुर्थी संप्रदान होगी। जैसे बालक फूल की इच्छा करता है तो यहां पर इच्छति आ गया तो फूल के अंदर षष्ठी हो जाता, लेकिन यहां पर स्प्रीहति ऐसा आया है, चौथा नियम अलग से बना है। तो यहां पर जिसकी इच्छा की जाती है उसमें चतुर्थी है, जो इच्छा करने वाला उसमें नहीं, करने वाला है वो करता है और उसके अंदर चतुर्थी विभक्ति नहीं आएगी, प्रथमा विभक्ति आएगी। बालक पुष्पाय, चतुर्थी विभक्ति पढ़ रहे हैं, नींद से जागो, तृतीया नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ के दिमाग में अभी तक तृतीया दौड़ रही है क्योंकि अभी भी पढ़ा है ना। तो यहाँ स्प्रीयति याद रखना है, मैंने जो नियम बनाए हैं उससे नियम से बाहर कुछ नहीं, बहुत शॉर्ट तरीके से समझाए, तो आपको एक एक नियम शॉर्ट तरीके से अपने तरीके से लिख देने और याद रखने हैं। बालक फूल के लिए इच्छा करता है, ऐसे अपन को हिंदी समझनी है। तो यहां पर स्प्री धातु में जिसकी इच्छा की जाती है उसमें चतुर्थी है। अब पांचवा नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मतलब बहुत ही ज्यादा। नमः स्वस्ति स्वा स्वेदा अलम वशट, इन सारे शब्दों के योग में चतुर्थी संप्रदान होते हैं। याद रहे यहां पर अलम का अर्थ पर्याप्त है, मतलब इनफ। इंग्लिश में कहते हैं इनफ इनफ, चाय लोगे नहीं इनफ इनफ, क्या चाय लोगे नहीं इनफ इनफ, मतलब काफी है, पर्याप्त है। तो याद रहे यहां पर अलम का मतलब क्या है, इनफ है। पांचवा नियम, नमः स्वस्ति स्वा स्वेदा अलम और वशट। अलम को छोड़ करके बाकी सब है वो यज्ञ करने में काम आते हैं, जब आहुति देते हैं ना उस समय नमः स्वस्ति स्वा स्वेदा और वशट, ये सारे शब्द कहां पर काम आते हैं, यज्ञ में काम आते हैं। और अलम क्या है, पर्याप्त के योग में। तो ये नमः स्वस्ति स्वा स्वेदा अलम वशट योगाच्य सूत्र से इन सभी के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। कैसे होती है देखते हैं। देखिए नमः, नमः अपन कहते हैं गणेशाय नमः, तो नमः से पहले वाले शब्द में चतुर्थी, स्वस्ति से पहले वाले में स्वाधा स्वाहा स्वेदा वशट, इन चारों पांचों शब्दों से पहले जो भी शब्द आएगा ना उसमें कौन सी आएगी, उसमें चतुर्थी विभक्ति आएगी। लेकिन अलम से पहले जो शब्द आएगा उसमें भी चतुर्थी विभक्ति आएगी, लेकिन किसके लिए पर्याप्त है, उस शब्द में चतुर्थी विभक्ति आएगी। देखो श्री गणेशाय नमः है ना, श्री गणेशाय नमः, तो गणेशाय के अंदर चतुर्थी विभक्ति, इसलिए अपने सब जगह श्री गणेशाय लिखते हैं। तो नमः शब्द, नमः शब्द होता है वो पूजा करते हैं या उस समय काम आता है। स्वस्ति, स्वस्ति कल्याण के लिए आएगा, श्री गणेशाय स्वस्ति, गणेश का कल्याण। फिर स्वाहा, स्वाहा शब्द आता है देवताओं के लिए, स्वाहा स्वेदा, स्वेदा देवताओं और पितरों दोनों के लिए आता है। वसट केवल पितरों के लिए आता है, ठीक है ना। कोई पितर होते हैं अपने श्राद्ध पक्ष में यज्ञ करते हैं ना, तो फलाना रामा आए वसट, ठीक है ना। और स्वेदा देवताओं के लिए भी आता है, इंद्राय स्वेदा, फलाना रामा आए स्वेदा, लेकिन स्वाहा केवल देवताओं के लिए आता है, इंद्राय स्वाहा, प्रजापति के स्वाहा है ना, विष्णवे स्वाहा। इस तरह से चतुर्थी विभक्ति आती है इन सभी शब्दों से पहले। आ गया समझ में। अब आता है अलम, दैत्येभ्य हरि अलम, दैत्येभ्य हरि अलम। तो यहां पर हरि तो क्या है, करता है, इसलिए इसमें प्रथमा विभक्ति है। हरि देवताओं के लिए काफी है,
सॉरी दैत्यपे नहीं, दानवों के लिए, राक्षसों के लिए, राक्षसों के लिए विष्णु काफी है। तो ये काफी शब्द आ गया ना इसके अर्थ में, तो वहां पर तो कौन सा आएगा, तृतीया विभक्ति आएगी, सॉरी चतुर्थी विभक्ति आएगी। यहाँ पर दैत्य के अंदर चतुर्थी विभक्ति आ गई है, इसलिए यहाँ चतुर्थी है। बात समझ में आया, राक्षसों के लिए विष्णु काफी है। इससे जस्ट पहले हमने तृतीया विभक्ति पढ़ी थी, तो तृतीया विभक्ति में ये दैत्य पे हरि अलम राक्षसों के लिए विष्णु काफी है। और यहां देखो अलम हसीते हसो मत, तो अलम का मतलब मत हो गया, यहां पर काफी हो गया, यानी अलम पहले आता है तो बाद वाले शब्द में तृतीया विभक्ति, अलम बाद में आता है तो पहले वाले में चतुर्थी, यानी नमः स्वस्ति स्वासहदा अलम वशट, इन सभी शब्दों से पहले वाले शब्द में हमेशा कौन सी विभक्ति आएगी, तृतीया, पहले वाले शब्दों में हमेशा चतुर्थी आएगी, और यहां केवल अलम से बाद वाले शब्द में तृतीया आएगी। इस तरीके से आपको याद रखना है। अभी संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति का छठा नियम, कुल संप्रदान कारक के कितने नियम है, 12। छठा क्या कहता है, धारयति, धारयति यानी ऋणी है, ये चीज बहुत समझने की, धारयति यानी ऋणी है, ऋणी है, किसी का कोई ऋणी है। इस धातु में जो ऋण अर्थात कर्जा देता है ना, उस कर्जा देने वाले में चतुर्थी संप्रदान होगा। आया समझ में, ठीक है ना। किसी ने किसी को कर्जा दिया है, राम ने श्याम को कर्जा दिया है, लेकिन पहले वाले कुछ नियमों से ऐसा लगता है कि जिसको कर्जा दिया है उसमें चतुर्थी होगी, लेकिन जो कर्जा देने वाला है उस कर्जा देने वाले में चतुर्थी विभक्ति होगी। देवदत्त है, यज्ञ दत्ता है, सतम धारयति, देवदत्त यज्ञ दत्त के 100 रुपये धारण करता है, देवदत्त यज्ञ दत्त के 100 रुपये धारण करता है, केवल धारयति ऋणी है, देवदत्त यज्ञ दत्त के 100 रुपये का ऋणी है। बात समझ में आ रही है, तो ऋणी कौन है, ऋणी कौन है, देवदत्त यज्ञ दत्त के 100 रुपये का ऋणी है। मतलब किसने किसको रुपये दिए, देवदत्त ऋणी है यज्ञ दत्त के 100 रुपये का, तो यज्ञ दत्त के 100 रुपये का ऋणी है कौन, देवदत्त, देवदत्त ऋणी है, तो रुपये किसने दिए, यज्ञ दत्त ने दिए कि नहीं दिए। हाँ, ये चीज बहुत सारों को समझ में नहीं आती है, धारयति यानी ऋणी है, इस धातु वाले शब्दों में जो ऋण अर्थात कर्जा देता है ना उसमें चतुर्थी संप्रदान आता है, लेकिन ये धारयति शब्द आ गया तो वाक्य ऐसा लिखा जाएगा कि यहां पर ऐसे लगता है देवदत्त ने पैसे दिए, क्योंकि ये करता है, अब ये करता है लेकिन देवदत्त ऋणी है, ये ऋणी है, ऋणी नाम की क्रिया का करता है, जो ऋणी है वो देता थोड़ा ही है, ऋणी है वो लेता है, तो देवदत्त किससे लेता है, यज्ञ दत्त से 100 रुपये लेता है, तो यज्ञ दत्त यहां पर कर्ज दे रहा है, तो देने वाले में चतुर्थी आई कि नहीं आई। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन राइट होना चाहिए। अब आता है प्रयोजनवाची शब्दों के लिए, जब क्रिया की जाती है तो उस प्रयोजनवाची शब्द में चतुर्थी विभक्ति होती है। प्रयोजन का मतलब होता है, देखो अपन ने पहले पढ़ा था कारणवाची शब्द में तृतीया विभक्ति होती है, याद आया, कारणवाची शब्द में तृतीया विभक्ति होती है, तो तृतीया विभक्ति कारणवाची शब्द में कब होती है, जब कारण हो चुका होता है और प्रयोजन तो अभी होना बाकी है, उसे प्रयोजन कहते हैं। ये बहुत सारे विद्वान यहां कंफ्यूज रहते हैं, पुण्य ने हरि दृष्ट, पुण्य के कारण हरि दिखा, हरि मतलब दिख गया, तो उसका कारण क्या था, पुण्य, कारण तो बन चुका है, प्रयोजन बनना बाकी है। स मोक्षाय हरि भजति, वह मोक्ष के लिए हरि भजता है, तो यह प्रयोजन का मतलब यहां पर अभी वो किस कारण से काम कर रहा है, किस कारण से काम कर रहा है, मतलब कारण पहले बना नहीं, कारण बाद में उसका, वह मोक्ष के लिए हरि भजता है, तो मोक्ष अभी होना बाकी है। और वहां पर क्या था, पुण्येन हरि दृष्ट, पुण्य से हरि दिख गया, पुण्य पहले बन गया, कारण था उसका, यहां पर कारण होगा, कारण क्या होगा, मोक्ष, मोक्ष उसका कारण होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, नहीं आ रही है तो वापस जाके देख लो, वह
मोक्ष के लिए हरि बजता है, तो प्रयोजनवाची शब्द में चतुर्थी होती है, कारणवाची शब्द में तृतीया होती है, कारणवाची शब्द में कारण पहले बन चुका होता है, प्रयोजनवाची शब्दों में प्रयोजन अभी बनेगा, प्रयोजन आगे है, टारगेट है वो। जैसे आप सभी नौकरी के लिए के शिक्षा गुरु संस्कृत चैनल देख रहे हो, ठीक है ना, तो नौकरी के लिए देख रहे हो, तो नौकरी अभी होनी बाकी है ना, ठीक है ना। इसी तरीके से यहां पर ये जो होना बाकी है उसके लिए यहां पर ऐसे चतुर्थी विभक्ति आती है, जो हो चुका है उसके अंदर तृतीया आती है। आप छठा नियम देख लें तृतीया विभक्ति करण कारक का। अब यहां आठवां नियम समझते हैं, कथयति निवेदयति और उपदेशति, इन धातुओं के योग में जिसको कहा जाता है ना उसमें चतुर्थी होनी जरूरी है, संप्रदान आ जाएगा, जहां चतुर्थी होगी वहां संप्रदान ही आएगा। राम है स्वमित्राय कथयति, राम अपने मित्र को कहता है, लेकिन कथयति निवेदयति उपदेशति आएगा, वहां पर द्वितीय नहीं आएगी, ये याद रखना है। कथयति निवेदयति उपदेशति, राम अपने मित्र को कहता है, निवेदयति आ गया, राम स्वमित्राय निवेदयति, राम स्वमित्राय उपदेशति, राम अपने मित्र को उपदेश देता है, तो यहां पर उपदेशति निवेदयति और कथयति आएगा, वहां पर चतुर्थी विभक्ति ही आएगी, ये कारक का नियम है। अब नौवा नियम श्लाघते, श्लाघते शब्द आएगा, श्लाघ धातु है प्रशंसा करना, और तिष्ठते यानी बैठना, शब्दे यानी उलाना देना, हनुते यानी छिपना, ठीक है ना, बात समझ में आ रही, एक दो तीन और चार, प्रशंसा करना, बैठना, उलाना देना, छिपना, अभी याद तो आपको रखना पड़ेगा भाई, ऐसा हमारे पास कोई स्विच नहीं, अहमदाबाद यहाँ याद रह जाएगा, हमेशा आपको छोटे शॉर्टकट में नोट्स बना करके पढ़ने पड़ेंगे, इससे शॉर्ट तो होते ही नहीं है जो हमने बनाए, एक नियम पे मैं आपको आधा घंटा निकाल के बता दूं, लेकिन आपको जितना शॉर्ट हो सके उतना समझा रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से नोट्स बना के। प्रशंसा करना, बैठना, उलाना देना, छिपना, इन अर्थ वाली धातुओं के योग में चतुर्थी संप्रदान होता है। अरे अभी तक सब्सक्राइब क्यों नहीं किया है, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, सबको बताओ, क्योंकि पूरे राजस्थान का यह सर्वश्रेष्ठ चैनल है, ये हमारे 15 वर्ष को बहुत बड़ा तपस्या से बनाया हुआ चीज है, आप लोग इसको ध्यान से समझे और इसको सीखे, क्योंकि ये एक एक चीज के अंदर हमने काफी सोच समझ करके बहुत ग्रंथों का मिलान करके यहाँ पर ये बातें बनाई हैं। तो यहाँ देखो, गोपी स्मरात कृष्णाय श्लाघते, गोपी स्मरात कृष्णाय श्लाघते, गोपी की याद करके कृष्ण की प्रशंसा करते हैं, तो कृष्ण की प्रशंसा करते हैं, तो यहाँ पर कृष्ण, कृष्ण क्या है उसके अंदर क्या आ जाएगी, चतुर्थी विभक्ति आ जाएगी, ये चीज आपको याद रखनी है। अब यहां पर जिससे छिपा जाता है, ठीक है ना, और जिसको उलाना दिया जाता है, जहां बैठा जाता है और जिसकी प्रशंसा की जाती है, उसके अंदर क्या है, चतुर्थी विभक्ति आएगी, ये आपका नियम है, बहुत ही गहराई से नियम है, दसवीं स्तर से भी ऊपर है ये, लेकिन हमने एक भी नियम पीछे नहीं छोड़ा है, सारे नियम दे दिए चतुर्थी विभक्ति के। अब राज्यति और ईक्षते धातुओं के योग में जिसके बारे में प्रश्न पूछा जाए ना, उसमें चतुर्थी संप्रदान होगी, एक तो राज्यति और एक ईक्षते, ठीक है ना, वेदाय राज्यति, वेद के बारे में पूछा जाता है, वेदाय ईक्षते, वेद के बारे में पूछा जाता है, ईक्षते देखा जाता है, तो राज्यति और ईक्षते से पहले जो भी शब्द आएगा उसमें चतुर्थी होगी, दसवां नियम क्लियर, राज्यति ईक्षते, ये प्रश्नेपदी, ये आत्मनेपदी। अब 11वां नियम प्रति और आ उपसर्ग है ना, इससे युक्त श्रेणोति धातु आ जाएगा ना, तो इसके योग में कर्ता में चतुर्थी विभक्ति आएगी, याद आया, प्रति विप्राय गाम प्रति श्रेणोति आश्रणोति, विप्राय गाम प्रति श्रेणोति आश्रणोति, विप्राय यानी ब्राह्मण, गाम यानी गाय के बारे में, प्रति श्रेणोति यानी सुनता है, आश्रणोति यानी सुनता है, केवल श्रेणोति, तो यहां पर प्रथमा आ जाएगी, केवल यहां श्रेणोति आया तो कर्ता के अंदर प्रथमा आती है, यहां पर प्रति उपसर्ग या आ उपसर्ग आ गया श्रेणोति के अंदर, तो इस कर्ता के अंदर आपके चतुर्थी आएगी, ये कर्ता में चतुर्थी लाने वाला एकमात्र नियम है। विप्राय गाम प्रतिश्रोति, विप्र के लिए गाय सुनी जाती है, कोई ब्राह्मण है उसकी गाय खो गई और वो ढूंढते ढूंढते कहीं जाता है, तो किसी ने कहा भाई गाय तो इधर गई है, तो ब्राह्मण के लिए गाय सुनी गई है, ब्राह्मण के लिए गाय सुनी गई है, ऐसे कोई दूसरे बात करते हैं, तो
तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति आ गई। विप्रायगाम प्रतिश्रणोति, विप्रायगाम आश्रणोति, दो वाक्य बन रहे हैं। अंतिम नियम आपका बारहवां नियम, परिकृत परिकृणोति, किराए पर लेना। परिकृत यानी किराए पर लिया हुआ, परिकृणोति यानी किराए पर लेता है। तो किराए पर लेने में विकल्प से चतुर्थी आएगा, संप्रदान होता है, अन्यथा तृतीय ही होगी। सतेन सताय परिकृत, सतेन यानी सौ रुपए में, परिकृत यानी किराए पर लिया हुआ है, सताय परिकृत यानी सौ रुपए में किराए पर लिया हुआ है। तो यहां पर जितने रुपए में किराए पर लिया जाता है, तो किराए पर लेने के अर्थ में तृतीया भी आ सकती है और चतुर्थी भी आ सकती है, दोनों राइट होता है, तो विकल्प से होता है। इसी के साथ में आपके चतुर्थी संप्रदान कारक पूरा हो गया। हमारे अभी तीन वीडियो पूर्ण हुए हैं, चौथे वीडियो में, पांचवे में जो भी अपने जितने भी पार्ट बनेंगे कारक प्रकरण के, तो कारक प्रकरण के फर्स्ट पार्ट में अपन ने कारक क्या होते हैं उसके प्रकारों की परिभाषाएं और विशेष रूप से एक वाक्य में सारे कारक समझाए थे, और उसके बाद में कर्ता कारक के छोटे से सिंपल से नियम बताए थे। दूसरे वीडियो में हमने कर्म कारक को बहुत अच्छे से समझा दिया था, और तृतीय पार्ट में, तीसरे पार्ट में हमने करण कारक और संप्रदान कारक दोनों साथ में समझाए हैं। तो इसी के साथ में अगले वीडियो तक अपनी वाणी को विराम देता हूं। भगवान आपका भला करें। जल्दी से अगला वीडियो खोल करके देखना शुरू कर दीजिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। छठी से दसवीं तक संपूर्ण संस्कृत पढ़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।